अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला लटकाया। दरअसल विगत कई दिनों से अल्मोड़ा परिसर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। आज भी छात्रों ने नारेबाजी कर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला परिसर में घुमाया और परिसर के भवन की छत पर लटका दिया। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार तुरंत छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करे। छात्रों ने कहा कि यदि छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्दी घोषित नहीं की गई तो छात्रों का आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। देखिए, लगातार पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलनरत सभी छात्र छात्राएं हैं, सभी छात्र नेता हैं, और अल्मोड़ा में जो हम अल्मोड़ा की बात कहते हैं, लगातार लगभग 20-25 दिन से यहाँ आंदोलन हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। लेकिन इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे, लगातार हम उनका विरोध करेंगे। हमसे जितना हो पाएगा हम लगातार पूरे प्रदेश में अल्मोड़ा में जितना हो पाएगा हम पूरा विरोध करेंगे, पूर्ण रूप से विरोध करेंगे सरकार का। देखिए, पिछले लगभग कई हफ्तों से हमारे परिसर के और हमारे पूरे प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं और समस्त छात्र संगठनों द्वारा माननीय धन सिंह रावत जी के विरोध में और छात्र संघ चुनाव की तिथि को घोषित करने के संबंध में हम विरोध प्रदर्शन करते हुए हम सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक माननीय धन सिंह रावत जी के कानों में किसी भी प्रकार की जू नहीं रहेंगी है। तो आज इसी के उपलक्ष्य में एक विरोध प्रदर्शन के रूप में आप देख सकते हैं हमारे द्वारा माननीय धन सिंह रावत जी को अपने परिसर के अंदर फांसी दी गई है, हमारा एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। और इसी तरह से हमारे इस पूरे प्रदेश भर में कितने लोगों ने आत्महत्याओं की कोशिश की, कितने लोगों ने अपनी जान देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी हमारे शिक्षा मंत्री के कानों में अभी तक जू नहीं रहेंगी है। और यह छात्र एकता है, मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि जब तक आप छात्र संघ चुनाव की तिथि को घोषित नहीं करते रहेंगे तब तक हमारे द्वारा इसी तरह से विरोध किया जाएगा और हमारे समस्त छात्र समुदाय द्वारा इस तरह से विरोध आपका किया जाएगा।